नैनीताल जिले के बैतलाघाट ब्लॉक में राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासनिक लापरवाही के चलते 6 वर्षीय एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली से आए परिवार को रखा गया था। जमीन में सोने की व्यवस्था के चलते सोए हुए परिवार के बीच 6 वर्षीय बच्ची को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही साफ दिख रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी शिवीन बंसल ने 3 अधिकारियों बैतलाघाट के राजस्व उप निरीक्षक राजपाल सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उमेश जोशी और सहायक अध्यापक करण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही राजस्व उप निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। वो करवाया, उन्होंने सब कर दिया, आगे नैनीताल को लड़की को ले गए और वहाँ से ये थी, यहाँ की भी बोल दी, सब बोल दी है। व्यवस्था नहीं थी, हम नीचे थे, झाड़ी आगे सब हमने कहा कि हमने रहने का जगह वहाँ, हमने वहाँ लाइट लाइट की व्यवस्था थी ना, पानी की ना कुछ ना, घर से लाए लड़की तो मेरी चली गई, अब क्या फायदा करके। पहले मेरे को ये घर प्रयाग सिंह है, उसके आप उसके क्या हुए? मैं अंजलि का चाचा हूँ। क्या है वहाँ पर व्यवस्था? वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है व्यवस्था, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना लाइटिंग बाथरूम की। क्या हुआ? पर जंगली जंगल है वहाँ। कितने बजे क्या घटना क्या हुई? 5 बजे की घटना है वहाँ से, कहीं से बाहर से सुबह के 5 बजे की वो है, वहाँ से कहीं से बाहर से सांप आके मेरी लड़की को डस गया। यहाँ पर हमने 108 बुला के उसे हॉस्पिटल भेजा तो वहाँ वो नहीं हो पाई ठीक। ये प्रकरण स्नेक बाइट का है, और जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर था वो एक स्कूल था, और उसमें यद्यपि टीचर, ग्राम पंचायत अधिकारी और पटवारी की ड्यूटीज़ निर्देशित किया गया था कि वो समय समय पे वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे ग्राम प्रधान को असिस्ट करने के लिए, जो कि एक दुखद घटना है कि और अनफॉर्चुनेट है कि तीनों में से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। सो इस प्रकरण में तीनों को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, और अभी विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित की जा रही है। और इसके साथ ही समस्त क्वारंटाइन सेंटर्स के टीचर्स, ग्राम पंचायत अधिकारी और हमारे पटवारी, इन सबको पुनः निर्देशित किया गया है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी क्षेत्र में, क्वारंटाइन सेंटर में प्रकाश में आई तो इसी तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को समझें, इस इमरजेंसी के समय में ग्राम प्रधानों को और जो लोग आ रहे हैं हमारे इमिग्रेंट्स, उनको फैसिलिटेट करना है। यदि उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है डिसेंट्रलाइज वे में, तो उसको हमें सुगम करना है, उनके लिए सुलभ करवाना है। सर, कुछ मुआवजे की रकम की बात हुई है? एनिमल बाइट्स या कोई वाइल्ड इंसिडेंट के कारण जब कोई दुर्घटना घटित होती है और उसमें कोई जान माल की क्षति होती है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है, और इसमें मुआवजा अराउंड 3 लाख है, वो जल्द ही परिवार को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें जॉइंट रिपोर्ट हमारे रेंजर और नए तहसीलदार की रिकमेंड की जा चुकी है।